दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही होंगे कि सीमेंट का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन लाइन में किया जाता है, जैसे कि घर बनाना, बड़े बड़े ब्रिजे बनाना वगैरह वगैरह। अगर सीमेंट असली हो तो सालों चलने बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, वहीं अगर ये सीमेंट नकली हो तो हमें आने वाली दिक्कतों का सामना जल्दी करना पड़ सकता है। इसलिए फायदा यही है कि हम असली और नकली सीमेंट की परख कर सके। लेकिन दोस्तों, हम पहले जानेंगे कि फैक्ट्रियों में सीमेंट कैसे बनता है और इनको बनाने में किन किन खतरनाक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सीमेंट को बनाने में मुख्य चार चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहला है चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन। ये पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा है लेटराइट मिट्टी। ये मिट्टी लाल रंग की होती है और इसकी खास बात ये होती है कि इसे आसानी से पकाया जा सकता है। और तीसरा है सेलस्टोन। ये सेलस्टोन का रंग काला होता है और ये कहीं भी आसानी से मिल जाता है। और चौथा है लाल मिट्टी। इस मिट्टी को पहाड़ों से खोदकर या फिर ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है और ये चारों चीज़ों को ट्रकों में भरकर फैक्ट्रियों की ओर रवाना कर दिया जाता है। वहाँ पर एक मशीन इन सभी पत्थरों को क्रश यानी तोड़कर मिलाने का काम करती है। फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है। इन बड़े बड़े लोहे की पाइप में इन इंग्रेडिएंट्स को रखा जाता है। फिर इन्हें गर्म गर्म भट्टियों से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस के जरिए एक ईंट से दूसरी ईंट तक सीमेंट की पकड़ बनती है। अब सीमेंट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैंने आपको बोला था कि असली और नकली सीमेंट की परख कैसे करें, तो अगर आप उसे कोई भी मौसम में छुएं तो सीमेंट हल्की ठंडी होनी चाहिए। अगर वो ठंडा के बजाय गर्म होता है तो इसका मतलब सीमेंट नकली है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर बने रहे, लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और न्यू वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने हमारे इन मज़ेदार वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वीडियो पर क्लिक करें और वीडियो का मज़ा लें।